मैं सुनील शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक, एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो सिरमौर है और सिरमौर के ही अंदर एक छोटी सी जगह श्री रेणुका जी जो बहुत फेमस है, मैं वहाँ के एक छोटे से गाँव का रहने वाला किसान। वेल गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं खुशवंत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मेरे साथ में है मेरे फ्रेंड, मेरे छोटे भाई सुनील शर्मा, जो कि बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू सो मच, और पूरे सभी आपके जितने भी यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और गुड इवनिंग। मैं सुनील शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक, एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो सिरमौर है और सिरमौर के ही अंदर एक छोटी सी जगह श्री रेणुका जी जो बहुत फेमस है, मैं वहां के एक छोटे से गांव का रहने वाला किसान का बेटा हूं। और आप कोई भी मेरा इंटरव्यू देखेंगे, मैं कहीं पर भी जहाँ पर भी लोगों से रूबरू होता हूँ तो दो बातों का जिक्र हमेशा करता हूँ कि मैं दो इंसानों से बहुत प्यार करता हूँ, किसान से और जवान से। क्या बात है। जवान से इसलिए करता हूँ क्योंकि जो 24 घंटे हम लोगों के लिए खड़े रहते, कभी ग्लेशियर में कभी रेगिस्तान में, वो ना दिन देखते ना रात देखते, धूप देखते ना बारिश देखते, ना सर्दी देखते ना गर्मी, अगर हम चैन की सांस ले पा रहे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फौजी भाइयों की बदौलत। क्या और किसान से इसलिए प्यार करता हूँ कि जो अन्नदाता है, जो पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को जो अन्न देता है, जिसको मैं अन्नदाता कहता हूँ। और मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूँ तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि किसान का हमारे लाइफ में क्या महत्व होना चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी इस लेवल का खिलाड़ी बनूंगा कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। और जो अभी हाल ही में 2018 में एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ पे हमने इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। क्या बात है भाजी, बहुत अच्छा लगता है भाजी जब हम ऐसे स्पोर्ट्समैन से मिलते हैं जिसके पास क्राउन है और जो मोटिवेट कर रहा है टाइम टू टाइम लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें जितनी भी इनकी कमाई होती है पूरी कमाई लोगों की मदद करने में लगा देते हैं, ऐसे लोग जो कि मतलब अपने ऊपर जो शायद हॉस्पिटल्स में या फिर मेडिकल में अपने खर्चे नहीं कर सकते तो पाजी अपनी कमाई वहाँ लगा देते हैं। तो आइए, आज हम पाजी के सामने रूबरू हैं तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पाजी से पूछते हैं जो शायद हमारे बच्चों के लिए और आने वाले एथलीट्स के लिए शायद बहुत काम में आए। तो पाजी ये बताएं कि राइट एज जो रनिंग की होती है वो क्या होती है? अगर सच बताऊँ तो मेरा ये मानना है कि जब जागो तभी सवेरा, कोई एज कोई मायने नहीं रखता है। अगर इंसान चाहे, मैंने अभी हाल ही में पीछे एक लेडीज़ देखी थी जो 37 ईयर्स में ओलंपिक में गोल्ड जीत सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि एज इज़ जस्ट काउंटिंग, एज कोई मायने नहीं रखती। बट अगर हमारा फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को, तो आप 8-10 साल के बाद कभी भी बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल सकते हो, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, आप जैसा उसको ढालोगे वैसे ही ढल जाएगा। नहीं, जैसे बोला जाता है कि बच्चे को उसके बोन्स जो है वो फ्यूज़ हो जाती हैं या फिर उसको आप कह सकते हो कि उसकी हाइट कम रह जाती है, तो इन सब चीज़ों के क्या मायने कि ये मिथ है सर? ये मेरा ऐसा मानना है कि शायद मैं इसको मिथ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर राइट डायरेक्शन में आप ट्रेनिंग दोगे तो शायद कुछ साइड इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी के ऊपर। बट आप अगर चाइनीज़ को देखोगे जो जिमनास्टिक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनसे शुरू, उनकी कोई एज नहीं होती वहाँ पे, वो कभी भी अपने बच्चों को जिमनास्टिक शुरू करवा देते हैं। तो अगर राइट डायरेक्शन और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, और अगर हम जैसे बच्चा होता है, नो डाउट बच्चों के बोन्स थोड़े से नाजुक होते हैं, उसको थोड़ा सा बिल्डअप होने में टाइम लगता है बच्चे को, बट अगर हम उनको सही शूज और प्रॉपर डाइट और प्रॉपर किट दी जाए तो मुझे नहीं लगता, और हमें बच्चों के ऊपर ओवरलोड नहीं डालना है। ओके, अगर बच्चों को प्रॉपर रनिंग, आप हल्का फुल्का रनिंग करवाओगे, फिटनेस करवाओगे, स्ट्रेचिंग करवाओगे, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये मिथ है कि अगर बच्चों को आप, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेच करवाओगे तो उसकी जो बच्चे की बॉडी है बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। अगर आप उनको प्रॉपर डाइट दोगे, हमें ये नहीं कि जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि जो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं या बहुत हाई लेवल का प्रोटीन, नो डाउट आप बच्चे को नेचुरल प्रोटीन दीजिए, क्योंकि 18 साल से कम बच्चे को वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि प्रॉपर आप अच्छी डाइट दो, फ्रूट्स दो, वेजिटेबल्स दो, और जो नेचुरल प्रोटीन रिसोर्सेज है वो आप दो। आपको कोई एक्स्ट्रा, जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारा प्रोटीन्स अवेलेबल है और मुझे नहीं लगता कि उसमें 20% जो प्रोटीन है वो बहुत अगर प्योर होगा, मैं नहीं मान सकता, कि बहुत अच्छी जो कंपनी होगी मैं भी शायद वो लोग अच्छा प्रोटीन देते होंगे, पर यहाँ पे सब मिक्सअप होता है इंडिया में खास तौर पर, क्योंकि हम पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, हमें रातों रात अमीर बन रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि हम क्या जहर बेच रहे हैं, मतलब इंसानियत खत्म होती जा रही है।
ठीक है, आप बनाइए, आप प्रोटीन बनाइए, बेचिए, बट आप सबसे पहले देखिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है बॉडी के ऊपर। वैसे एक चीज़ आपने जो बहुत अच्छी बोली है कि जिसमें प्रोटीन जो है वो सही जगह से, ऑथेंटिक जगह से अगर लिया जाए जी, तो क्या हमको वो प्रोटीन ले सकते हैं? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी और जो अगर आप प्रॉपर प्रोटीन अच्छी लेते हो तो आपके हेयर ग्रोथ, आपके स्किन पे ग्लो आएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आपके जो मसल्स हैं, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, तो हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं, तो उनको रिकवरी के लिए आपको अच्छी डाइट चाहिए, तो नो डाउट कि आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे आप मिल्क ले सकते हो, आप बादाम ले सकते हो, आप दाल ले सकते हो, आप मशरूम ले सकते हो, आप ब्रोकली ले सकते हो और आप सोयाबीन ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है ये, आपको नॉन वेज लेते हो ये सब नेचुरल प्रोटीन में आ गया, नेचुरल प्रोटीन में। तो आप वैसे नॉन वेज लेते हैं? नहीं, मैं नॉन वेज नहीं लेता, बट अभी हाल ही में मैंने एग जरूर शुरू किया है, तो आप एग ले सकते हो, और एग के अंदर भी लोगों के अंदर मिथ है कि आपको येलो पार्ट नहीं खाना है, आप अगर एक या दो या तीन एग खा रहे हो तो आपको पूरा होल एग खाना है, जो आपके उसमें येलो पार्ट होता है वो सबसे हेल्दी होता है, एग योग जो रहता है। यस, नो डाउट कि आपका जो व्हाइट पार्ट है उसमें 100% प्रोटीन है, बट जो आपका येलो वाला पार्ट है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन और बहुत सारा, मतलब आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी हो, बट ये नहीं कि आपको 15-20 अंडे खाना है, वो फिर आपको साइड इफेक्ट ही करेगा। तो पाजी, एक चीज़ तो आपकी ये हो गई, और दूसरी चीज़ आज लोग अपने बच्चों को लेके बड़े कंफ्यूज हैं कि लोग मीडिया जो है या फिर कह लो स्क्रीन टाइम जो बढ़ चुका है, खास करके कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग हो रही है लोग बच्चों की, बड़ों की भी इवन, तो उसमें आप इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि इसको उस स्पोर्ट्स में चेंज कैसे किया जाए, कि कैसे आप मेरे क्वेश्चन को अगर समझने की कोशिश करें, मैं चाहता हूं कि जो हमारा यूथ है और जो हमारे बच्चे हैं वो दोबारा हमको ग्राउंड्स में दिखने चाहिए। बिल्कुल दिखने चाहिए, और मैं भारत सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चाहे पूरी जो भी आप बंद करना चाहते हो आप बंद कर दीजिए, पर कभी भी स्पोर्ट्स को बंद नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जिम बंद है या स्पोर्ट्स एकेडमी बंद है या ग्राउंड बंद है, अगर आप चाहते हो कि आप कोविड से लड़ना चाहते हो, सबसे पहले आपको आपका जो फिजिकल फिटनेस, कोविड से लड़ने के लिए भी फिजिकल फिटनेस जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ कोविड नहीं, आप कोई भी बीमारी हो, आप कोई भी बीमारी लीजिए, अगर आपका शरीर फिट है आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो, आप फिजिकली अगर फिट हो तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो, और स्पेशली कोविड ने हमें ये सिखा दिया है कि अगर आपने आने वाले टाइम में सर्वाइव करना है तो आपको फिजिकली फिट रहना होगा। अगर आप जितना फिजिकली फिट होगे तो आपको कभी भी कोई बीमारी टच नहीं कर सकती है। तो अभी मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ, ना तो मुझे कभी फीवर होता है, ना मुझे कोई और चीज़ होती है, क्योंकि मैं अपना जो डेली रूटीन मेरी एक्टिविटी चलती है, तो ना मुझे शुगर प्रॉब्लम है, ना मुझे बीपी प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी डिजीज नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं फिजिकली फिट रहता हूँ। बहुत से लोगों का ये मानना है कि यार भाई रोज की रनिंग कितनी है आपकी? रोज की अब तो बहुत कम कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरी 40-50 किलोमीटर पर डे रहती है, एवरीडे 50 किलोमीटर, एवरीडे 40-50 किलोमीटर, 42 में उसके बाद साइकिलिंग होती है। गाइस 40-50 किलोमीटर, हाँ जी सही सुना आपने, 40-50 किलोमीटर पाजी नाश्ते में खा लेते हैं रनिंग को। सो और साथ में साइकिलिंग, स्विमिंग, जिम, योगा, मैं ये सब एक्टिविटी करता हूँ। अभी तो पिछले जब मैं भी कुछ 2 सालों से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ इवेंट्स में, तो मेरा भी अभी ऑलमोस्ट 50% क्या 25% भी नहीं रह गया जो मेरी एक्टिविटी हो रही है, अदरवाइज मेरा आउट ऑफ 20। इसको जो ये साल के जो, जैसे मान लीजिए आज बहुत सारे एथलीट बोल सकते हैं अपन, बहुत सारे स्विमर्स होंगे जिनके भविष्य खतरे में है, या फिर उन्होंने स्विच कर लिया अपने भविष्य को कॉम्प्रोमाइज़ करके कि उनको समझ में आ गया, क्योंकि साल 2 साल ही रहते हैं आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, वो साल अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उसको शायद हमें कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं कि जब जो शेर होता है ना, जब वो जंप करता है ना, वो भी 2 कदम पीछे आता है। चलो ठीक है, शायद ये प्रकृति को यही मंजूर था कि हमारा जो 2 साल, ये बहुत ही क्रिटिकल जो टाइम हमने देखा है, बहुत टफ और बहुत टाइम देखा है, सबने देखा है, सिर्फ हमने नहीं सबने देखा है, तो इससे हमें हार नहीं माननी चाहिए, फिर से स्टार्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर ये 2 साल निकल गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, अभी बहुत से खिलाड़ी ऐसे मेरा ये मानना है कि जब वो दोबारा स्टार्ट करेंगे 1-2 महीना थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी, बट जब आप 2-3 महीना रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो फिर से सेम आपको लगेगा नहीं, बॉडी उसी शेप में आ रही है, बॉडी वो शेप में आ जाएगी, मतलब एक्सेप्टेंस आ जाएगी बॉडी को। मतलब इसको कितना टाइम लगता है आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने? हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। यस, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हुसैन बोल्ट का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि मुझे 9 सेकंड और 10 सेकंड का टाइम लाने के लिए 9-10 साल लग गया। क्या बात है,
और लोग सिर्फ 2-3 महीने के अंदर गिवअप कर जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये मैंने आप आइडिया लगाइए कि 9 सेकंड के लिए जिस इंसान ने 9 साल लगा दिए अपने, तो आप लगाइए कितनी मेहनत की होगी। मेरे को अपने बारे में पता है कि एक पोस्चर मैंने करने के लिए, कि मेरे को वो पोस्चर करना था, हैंड स्टैंड करना था, तो वो हैंड स्टैंड करने के लिए मैंने 6 महीने की प्रैक्टिस की थी। बिल्कुल, तो जाके कहीं हुआ था मेरे से वो। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल जरूर मिलता है। एग्जैक्टली, और चाहे वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने कभी ये देखा है कि अगर अंधेरा होता है कि कभी सवेरा नहीं हुआ है? कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा हो जाता है कि अंधेरा हो जाता है, पर सूरज फिर से निकलता है। वो लेवल की पॉजिटिविटी बना के रखनी चाहिए। क्या बात है। तो इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जब जागो तभी सवेरा। एग्जैक्टली। तो पाजी बहुत अच्छा लग रहा है पाजी से बात करके, और मैं चाह रहा हूँ कि और एक दो क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो कई बार क्या होता है कि आप अपने बच्चों के बारे में भी सोचते हो तो अपन क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स के वही रहते हैं। तो मैं इसीलिए पेरेंट्स के कारण क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, ताकि कुछ फंडे पेरेंट्स के क्लियर हो जाए। और कहीं एक फादर, जहाँ एक फादर अपना हीरो होता है, अपन बोलते हैं ना कि फादर इज माई हीरो, मेरे फादर मेरे हीरो थे क्योंकि वो मिलिट्री मैन थे, मैं उनको देखता था सुबह जल्दी उठ के, तो वही ट्रेनिंग मैंने अप्लाई किया। तो आप ये क्या मैसेज देना चाहोगे एक फादर को, कि अगर अपने बच्चे को सिखाना है तो क्या वो बोल के सिखा सकता है या खुद करेंगे? अगर वो देखिए, सबसे अच्छी बात होगी अगर आप बच्चे की, आप सबके होते लाइफ में, कोई किसी का ब्रदर, किसी का फादर आपका हीरो होता है। जैसे कि मैंने अगर रन स्टार्ट किया, तो मैंने अपने बड़े भैया को, जो आर्मी, वो भी एक डिफेंस पर्सन है, आर्मी से रिटायर हुए, उनको देख के मैंने स्टार्ट किया था। बट आपको खुद अगर अपने बच्चों के लिए आपका रियल हीरो बनना है, तो आपको उनको खुद दिखाना पड़ेगा। आप तभी दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो जब आप सेल्फ मोटिवेट हो। सेल्फ मोटिवेट हो। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है कि आप सोए हुए हो और आप बोलोगे कि जाओ उठ के, तो रनिंग करना नहीं गया, टाइम ऐसा आ गया कि आपका बच्चा बोलेगा कि आप खुद का तो देखते नहीं, उल्टा मुझे शिक्षा दे रहे। तो हमें चाहिए कि हमें उदाहरण सेट करना चाहिए किसी भी एथलीट के लिए, अपने बच्चों के लिए, या किसी भी इंसान के लिए। जब हम एक किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचते, तभी हम दूसरों को बोल सकते हैं कि आप भी कीजिए। फिर से मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि अगर राइट डायरेक्शन, राइट डाइट और राइट किट आप अपने बच्चों को दे रहे हो, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप इतना बर्डन मत डालिए बच्चे के ऊपर कि उसके शीन पेन हो जाए, उसके नी में प्रॉब्लम हो जाए, उसके शरीर, ठीक है, बच्चा है, वो कच्ची मिट्टी है, आप उसको धीरे धीरे डालते रहिए। एक टाइम आएगा जब वो पक जाएगा, तो आप उसको फिर जैसे मर्जी यूज़ कर सकते। तो भाजी एक चीज़ और, बच्चों का मतलब पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि क्या, जैसे मैं स्पोर्ट्स करता हूँ तो मेरे को बहुत चीज़ें पूछते हैं, तो मेरा, मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ उनके साथ में, मैं एक और शेयर करना चाहता हूँ। क्या स्टडीज और क्या स्पोर्ट्स दोनों को टुगेदर हम लेके चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि पहले कहते थे कि, अभी कल ही मैं किसी से जिक्र कर रहा था कि पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब जमाना चेंज आ गया है, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तब भी नवाब बनोगे, अगर खेलोगे कूदोगे तो आप नवाब से भी नवाब बन जाओगे। क्योंकि आप देखो, अगर आप पढ़ लिख के एक IAS, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट भी बन रहे हो, तो आप एक सीमित दायरा है। डीसी, अगर आप डीसी बन गए हो, IAS बन गए हो, आप डीसी हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, एक डिस्ट्रिक्ट आपको जानता होगा, एक स्टेट आपको जानता होगा। बट आप स्पोर्ट्स पर्सनलिटी, आप अगर देखोगे सचिन को कौन नहीं जानता, विराट कोहली को कौन नहीं जानता, मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जो पूरे वर्ल्ड में छा गए, नीरज चोपड़ा को बच्चा बच्चा जानता है आज। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जरूरी नहीं है, आप अपने बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए। आप इतना जरूर ध्यान दें कि बच्चे की रुचि किस तरफ है। उसको अगर पिक करने का, अच्छा, आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं, आप उसको क्रिकेटर बना रहे हो, वो कभी नहीं बन पाएगा। उसको पिक करने की एक उसकी चॉइस होनी चाहिए। बच्चों को देखिए कि उसकी रुचि किस चीज़ में। और जब हम अपने मनपसंद का जो काम करते हैं, तो उसमें हमारा मन भी लगता है। नहीं तो अगर आपके ऊपर कोई चीज़ छुपी जाएगी ना, आप चाह के भी उसको नहीं कर पाओगे। क्या बात है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की रुचि देखिए कि उसकी स्पोर्ट्स में है, या संगीत में है, या पढ़ाई में है, या किस फील्ड में, आप अपने बच्चे को उसी में डालिए। सो बहुत मज़ा आया पाजी, और बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मैं आपके साथ में होता हूँ ना, मतलब मेरे को, मैं अपने आप को एक एथलीट फील करता हूँ, मेरे को फीलिंग वो आती है। तो आज से दो तीन साल पहले पाजी मेरे को मिले, और बहुत सारी बातें हमने की, और बहुत सारी पाजी से मैंने ग्रास्प किया मैं कि कैसे दौड़ करनी चाहिए। मैं भी दौड़ लगाता था, ऐसे ही पाजी मेरे को मिले, और हमने रनिंग साथ में भी एक रनिंग किए थे अपन ने, एक मैराथन मैंने पाजी के साथ, पंच का कौन सा ये पेंच में, पेंच में, पेंच में हमने एक रनिंग की, यादगार लम्हा था। और अपन फन भी, इट वाज ग्रेट फन की, अपन ने स्विमिंग भी किए थे। बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज ग्रेट फन। पाजी तो कहीं लैब से छोड़ के आ गए थे सबको पीछे। तो ये एक प्राउड फीलिंग थी मेरे लिए कि मैंने एक इतने बड़े एथलीट के साथ में दौड़ा, भले पीछे रह गया, लेकिन एक अपने आप में एक जोश था कि हाँ पाजी के साथ हम दौड़ रहे हैं, और प्राउड मोमेंट था। इवन आज भी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि पाजी मेरे चैनल के लिए बोल रहे हैं, एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस टाइम। सच बोल सकते हैं कि बहुत टाइम से मैं, आई वाज प्लानिंग कि हाँ पाजी के साथ में एक ऑनलाइन वो कर लेंगे। कुदरती पाजी यहाँ पे आए हुए थे, आर्मी के, पाजी आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं रनिंग के लिए,
सिख रेजिमेंट भाजी, सिख रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट को पाजी ट्रेन कर रहे हैं रनिंग के लिए। तो इनकी अगर अचीवमेंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा ना तो शायद शाम हो जाएगी और आप बोलेंगे वीडियो बहुत लंबा हो गया। बट पाजी आप एक मोटे मोटे तौर पे ये बता दीजिए कि जब आप दिल्ली से दौड़े आप मुंबई के लिए, तो उसमें आपको क्या क्या बाधाएं आई? देखो कोई भी आप काम, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो शुरू में तो लगता है कि, और एवरीडे आप कितना दौड़ते थे ये दोनों चीजें? उसमें हमारा वैसे 74 किलोमीटर पर डे करना था, पर हम उसमें 80 90 100 प्लस भी हम लोगों ने उसमें किया, वो बेनिफिट हो जाता था अपने। हाँ, वो एक्चुअली उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के 19 एथलीट थे, और जब आप एक कॉम्पिटेटिव भावना से दौड़ते हो तो फिर आप ये टारगेट नहीं देते कि मैं कितना कर रहा हूँ। तो मैंने पहले तो जब 2016 में दिल्ली टू मुंबई रन किया था, और फिर हमने अभी हाल ही में लास्ट ईयर इंडियन आर्मी के लिए रन किया था, जो हमारे हीरो जिनको मैं अपना हीरो मानता हूँ, इंडियन आर्मी के सोल्जर जो ऑपरेशन के दौरान या कारगिल युद्ध के दौरान इंजर्ड हो गए थे, उनके लिए एक पुणे में एकेडमी है QMTI, क्वींस मैरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसका कि मुझे भी पता नहीं था। ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ दो ही इंस्टीट्यूट, एक पुणे में है और एक आई थिंक हॉलैंड में है। तो हमारे वहाँ पे वो सैनिक जो युद्ध के दौरान या किसी ऑपरेशन के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, जैसे उनके लिए स्टडी के लिए, कंप्यूटर के लिए, और बहुत सारी फील्ड है उनके लिए। तो उनके लिए हमने एक रन किया था, क्योंकि उनके लिए फंड लिमिटेड से फंड आते हैं गवर्नमेंट की ओर से। और वहाँ पे हमारे बहुत सारे सैनिक भाई है जिन्होंने अपने किसी ने अपने शरीर का अंग खो दिया है हम लोगों के लिए। तो उनके लिए हमने रन किया था मुंबई टू दिल्ली, फिर हमने दोबारा मुंबई टू दिल्ली रन किया था। उसमें मैं कुमार अजवानी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उसमें मुझे रन करने का मौका दिया, और जो भी उसमें फंडिंग 21 लाख के आसपास हमारे पास कैश एकत्रित हुआ था, और आई थिंक ओवरऑल 50 लाख का उनके लिए टाइल्स, टॉयलेट, एक कंपनी है जिन्होंने सोलर पैनल और उनके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वहाँ पे। अच्छा, तो ये सौभाग्य भी मुझे मिला। और मैं एक जो एथलीट हूँ, एथलीट के मुझे शायद लोग कम जानते होंगे, बट चैरिटी रनर के नाम से बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि मैं अभी तक बहुत सारे रन कर चुका हूँ। हर साल एक चैरिटी रन करता हूँ उन पेशेंटों के लिए जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। तो मोर देन 18 पीपल हमें अभी तक, जिसमें कि किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, कैंसर पेशेंट और भी बहुत सारी डिजीज जिनको होती है, उनके लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, और जो भी पैसा एकत्रित होता है उससे हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये पाजी ने अभी तक कमाई करनी चालू नहीं की है, सिर्फ दौड़ रहे हैं पाजी और सिर्फ फंड दे रहे हैं लोगों को कि हाँ अपने इलाज करा लो, या फिर कह सकते हैं चैरिटी के लिए। पाजी ने बहुत कुछ किया। मेरा ही मानना है कि शायद पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पर जो लोगों की ब्लेसिंग्स और प्यार मुझे मिलता है, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और को मिलता होगा। मेरे लिए वही सबसे बड़ी मेरी कमाई है। ये तो बहुत कि लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है कि मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो ये जीवन है वो सफल हो चुका है। सुनील भैया, आप खुद भी प्यार वाले हो तो आपको प्यार मिलता है। क्या आप इस अर्थ को बोलते हैं ना, थ्रो करते हो तो वो बैक हाँ, आता बिल्कुल। है ये प्रकृति का नियम है कि अगर हम मुट्ठी भर बीज बीजते तो बदले में हजार गुना वापस मिलता है। एग्जैक्टली, तो ये तो ऊपर वाले की कुदरत है जो बनाई हुई है, और आपने बहुत कीमती समय अपना दिया। और मैं एक चाहूंगा आखिरी में जाते जाते अब एक मैसेज कोई ऐसा यूथ के लिए और हमारे यंग जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दें, क्योंकि क्या होता है आजकल आप देख रहे होंगे कि डिप्रेशन का शिकार बहुत अर्ली एज में बच्चे हो जा रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ गए हैं बच्चों के। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एनर्जी, अच्छा ऐसी एनर्जी जो मतलब तूफान मचा दे? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं ये हर जगह जिक्र करता हूँ। मैं सब पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या एक बहुत बड़े लेवल के नेता भी, पर आप सबसे पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाना। और यूथ के लिए मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, मैं जहां भी जाता हूं, कि हेट ड्रग्स लव लाइफ। दोस्तों, अगर आपने नशा पालना है तो आप स्पोर्ट्स का नशा पालिए। क्या बात है। अगर आपने नशा पालना है आप देशभक्ति का नशा पालिए, आप समाज सेवा का नशा पालिए, पढ़ाई का नशा पालिए, क्योंकि जिस इंसान को इन नशों की लत लग जाती है बाकी इन नशे उसके आगे सब फीके पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ही कीमती समय आपने अपना दिया। और एक आपकी मैराथन हुई थी बड़ी, लास्ट क्वेश्चन आपसे है, वो मैराथन हुई थी साउथ अफ्रीका में? नहीं, वो बैडवाटर जो वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट, जिसमें आपने ब्रॉन्ज आया था? नहीं, वो तो एशिया और ओशिया चैंपियनशिप हुआ था, बट एक बैडवाटर नाम से यूएस में कैलिफोर्निया में एक रन होता है जिसमें आपने, हाँ, कैलिफोर्निया रन, जिसमें आपने दो तीन वेदर, यस, उसमें बिलो सी लेवल से आप रन स्टार्ट करते हो और 9000 फीट के आसपास आप उसको फिनिश करते हो। उसमें आप 50 प्लस टेम्परेचर से -4 में जाते हो, 220 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है और इतना हॉट रहता है कि जो मेरी टीम थी, शायद अगर वो मेरी जो टीम थी अगर वो नहीं होती तो मेरे लिए रन इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस होती है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप आइडिया नहीं लगा सकते कि वेदर कंडीशन कैसी रहेगी वहाँ पे। जब मैंने जिस साल रन किया था 52 टेम्परेचर था, तो उसमें आपने पहले टेम्परेचर में रन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी टीम से कह रहा था कि मुझे आप बिल्कुल कोल्ड वाटर दो। जब वो कोल्ड वाटर दे रहे थे तो वैसे लगता है मैं हॉट वाटर पी रहा हूँ।
उन्होंने मेरे को आइस क्यूब दी। आइस क्यूब जब मैं ले रहा था तो मुझे लगता कि शायद मैं आग का गोला निकल रहा हूँ। पर आइस क्यूब क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर इतना टफ था कि आपको पानी तो ऐसा लगता है कि जैसे आप गर्म पानी पी रहे हो। अच्छा, जब मैं सुबह 4 बजे उठा था तो मैं जो ठंडा पानी था ठंडे शावर से नहा रहा था। नहीं, पर एक जो ऐसा बोला जाता है कि जब ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे वेदर जो होता है कि एकदम एक्सट्रीम रहता है तो वहाँ पे एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए, पर वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हॉट रहता है कि आपको पीना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि आपका गला सूख रहा है और आप की सांसें निकलने वाली। ओके, फिर आप उस लेवल का रन भी नहीं कर पाएंगे। रन भी नहीं कर पाएंगे, तो आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आपको इससे पहले प्रैक्टिस होती थी उसकी? बिल्कुल, उसके लिए मैं नागपुर में ही आया था और नागपुर में ही मैंने रन किया था 47 टेम्परेचर के। आप आए थे जब? दिन में मैं रन करता था 2 और 3 बजे के बीच में, या 4 बजे के 4 बजे से पहले पहले और 12 बजे के बाद मैं रन करता था, और मैं 5 to 6 लेयर पहनता था। ये हीट ट्रेनिंग होती है तभी उस कंडीशन में मैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाया और मैं उसमें फास्टेस्ट इंडियन हूँ। 48 hours कट ऑफ टाइम होता है मेरा, 35 hours। टोटल कितने लोग दौड़ते हैं उसमें? उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से 100 लोग आते हैं और 100 में से भी 70% लोग ही इसको कंप्लीट कर पाते, 37। और आपका नंबर क्या था? मेरा पहले तो मैं काफ़ी देर तक ऑलमोस्ट 8-10 घंटे तक नंबर 1 पे चल रहा था, पर मेरे को नी इंजरी हुई थी और वहाँ की कंडीशंस में रन करना मेरे लिए बहुत, सबको लग रहा था शायद ये 48 hours में भी कंप्लीट नहीं कर पाया। और किलोमीटर कितना था? 100 नहीं, 135 miles, 220 kilometers। 220 kilometers, यस। ओके, दैट्स ग्रेट। सो भाजी, ये होती है हर्डल्स और उसके बाद होती है सक्सेस। तो आपको हर्डल्स में से निकल के सक्सेस मिलती है। आपको एक स्टेप जो होता है वो पहले लेना होता है, उसके लिए अपने दिमाग में इरादा करना होता है। और कहते हैं कि असूलों के लिए टकराना ज़रूरी है, असूलों के लिए टकराना ज़रूरी है, घर जिंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो इस शायरी का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं कि आइडल जो हो सकता है वो सुनील भैया ही हो सकते हैं। हम सुनील भैया भी बोलते हैं इनको, सुनील पाजी भी बोलते हैं, हालांकि मेरे से छोटे हैं लेकिन इनकी जो अचीवमेंट्स मेरे से बहुत बड़ी हैं। सो मैं पाजी को पूरी रिस्पेक्ट दे के, और अपना दोस्ती भी है और पाजी के साथ पूरी रिस्पेक्ट भी है। तो आई लव यू पाजी, थैंक्स फॉर कमिंग, एंड आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। एंड गाइज, प्लीज़ मोटिवेट रहें और चिल मारें लाइफ में और पूरा सेलिब्रेट करें लाइफ को। ये लाइफ एक ही बार मिली है अपन को और अपन को फुल जीना है इसको। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू भाजी, थैंक यू भाजी, थैंक यू, थैंक यू।